बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज एमपी में और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सारी पार्टियों ने जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि लगातार नेताओं द्वारा रैलियां भी की जा रही है। आपको याद ही होगा जब कुछ दिन पहले भोपाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आए थे, वहीं अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी 3 दिवसीय के दौरे पर हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ है, आज उनका दूसरा दिन है। कल राष्ट्रपति ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सौगातें दी। वहीं जबलपुर के विक्टोरिया जिला अस्पताल की नई एक्सटेंशन बिल्डिंग का भी राष्ट्रपति ने वर्चुअली भूमि पूजन किया। वहीं उन्होंने भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पूरे शहर पे चाक चौबंद रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति आज उज्जैन जाएंगे, वो यहाँ महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। कालिदास अकादमी के संकुलन में होने वाले आयुर्वेद के महाअधिवेशन में शामिल होंगे। उनके आगमन की तैयारियां युद्ध स्तर पे की गई है, पूरे शहर को सजाया गया है और महाकाल मंदिर में भी सजावट की गई है। गर्भगृह को मोगरे के फूलों से सजाया गया है, साफ सफाई कर कुंड के आसपास रंग रोगन किया गया है। ये कालिदास अकेडमी में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन में शामिल होंगे, करीब 1.5 घंटा वहां रुकेंगे। इसके बाद भगवान महाकाल के दर्शन के लिए जाएंगे। तो जानकारी भी मिली है कि राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी भी रहेंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आयुष मंत्री भारत सरकार सर्वानंद सोनवाल, आयुष मंत्री मध्य प्रदेश शासन रामकिशोर कावरे, उज्जैन के सांसद विधायक एवं जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर अधिकारियों द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उज्जैन आने से पहले उनकी सुरक्षा के मद्देनजर शनिवार को पुलिस प्रशासन ने रिहर्सल की। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 1700 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। महाकाल मंदिर की साज सज्जा के साथ ही शहर को भी सजाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहली बार उज्जैन आ रहे हैं। उनके महाकाल मंदिर दर्शन के दौरान कोई असुविधा न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मध्य प्रदेश की तमाम ताजा खबर जानने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़।